हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। मेरा नाम है अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं कभी जो बादल बरसे। अब आप सोचेंगे पिछला गाना भी बारिश पे, आज का गाना भी कभी जो बादल बरसे, पिछले बार तो सिखाया था। एक्चुअली पिछली बार हमने उसको कस्टमाइज फॉर्मेट में एक एज ए मैशअप का पार्ट सिखाया था, आज हम उस गाने को स्टैंड अलोन सीखेंगे। स्टैंड अलोन से मेरा मतलब है क्योंकि इस गाने में इतनी गुंजाइशें हैं, इतनी लीड्स हैं, इसका इंट्रो है, बीच में बजाया हुआ पीस है, तो ये सारे पीसेज आज हम टैब्स के फॉर्मेट में आपको सिखाएंगे, प्लस इस गाने के कॉर्ड्स भी हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको ये गाना पूरा टैब्स में भी सीखना है तो दिस इज द लेसन फॉर यू। डोंट स्किप इट, एक एक करके एक एक पार्ट देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन ट्राई टू लर्न द होल सॉन्ग, और फिर वीडियो बना के हमें जरूर से बताइए। कहाँ बताएंगे? On my Instagram, that is my guitar method. उसके साथ साथ please don't forget to subscribe the channel and like the video. इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो please एक subscribe का बटन दबाने से हमारे लिए बहुत बड़ा एक motivation हो जाता है, तो please वो चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा मेरा live course अब स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, 3 टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बाकी हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही लाइव ज्वाइन कीजिए। अब हम बात करते हैं इस गाने के कॉर्ड सीक्वेंस के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ ही आपको प्ले थ्रू के हिसाब से बजा के भी दिखा दूं। तो ये गाना जो है, इसका ओरिजिनल स्केल है सी माइनर। अब सी माइनर कॉर्ड बजाने के लिए आपको दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। पहला है बार, जिसमें आप 5 स्ट्रिंग पे बार लगाते हैं, 6ठा स्ट्रिंग आप म्यूट रखेंगे और इस तरीके से ये बार प्ले होगा, ठीक है। ये सी माइनर का बार शेप है। विदाउट बार अगर आप चाहें तो इंडेक्स फिंगर को 3rd फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि ऊपर की दो स्ट्रिंग जो हैं ये रेड है, मतलब ये दोनों नहीं बजेंगे, ओके। सो विद बार एंड विदाउट बार, इट्स अप टू यू। दूसरा जो कॉर्ड होगा वो होगा बी फ्लैट मेजर, या जिसको ए शार्प मेजर भी हम कहते हैं। इसके लिए आपको बार लगानी है 6th फ्रेट में, और फिर बाकी की जो शेप है ई मेजर वाली जो शेप होती है, जो है 8th फ्रेट और 7th फ्रेट में, और ये हमारा बार आया, ये होता है हमारा बी फ्लैट मेजर, ठीक है। इसको विदाउट बार अगर आप बजाना चाहते हैं तो फिर एक दूसरा तरीका होता है, जिसमें नीचे के दो स्ट्रिंग्स को आपको इंडेक्स फिंगर से ऐसे प्रेस करना है। इस केस में आप 5 स्ट्रिंग बजाएंगे, 6ठा स्ट्रिंग म्यूट रखेंगे, तो ये भी बी फ्लैट है विदाउट बार, ओके। नेक्स्ट कॉर्ड इज वेरी सिमिलर इन द शेप, आपको ये कि ये शेप 2 स्टेप पीछे ले जानी है, तो ये बन जाता है हमारा ए फ्लैट मेजर कॉर्ड, और दिस इज हाउ इट साउंड्स। इसको जी शार्प भी बोल सकते हो आप, और विदाउट बार इस तरीके से प्ले होगा। तो जो भी आपके कंफर्ट में है आप वो सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दो कॉर्ड और है इस गाने में, जिसमें पहला कॉर्ड होगा जी माइनर कॉर्ड, जिसके लिए आपको बार लगाना पड़ेगा 3rd फ्रेट पे इस तरीके से, और रिंग फिंगर से ई माइनर के दो उंगली। इसको अगर विदाउट बार बजाना चाहें तो नीचे के 3 स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस करेंगे और ऊपर के 2 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी इसी शेप को, जी माइनर की शेप को 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे, तो एफ माइनर कॉर्ड भी इस गाने में काम आता है, ओके। तो इन सब की 2-2 शेप्स मैंने आपको बताई हैं। अब नो डाउट क्योंकि सारे कॉर्ड्स बार में हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप इस गाने को विदाउट बार बजाना चाहते हैं तो आपको कैपो लगाना पड़ेगा 3rd फ्रेट पे, और फिर आपके जो मेन कॉर्ड्स होंगे वो हो जाएंगे ए माइनर, जो सी माइनर वो ए माइनर बन जाएगा, जो बी फ्लैट है वो जी बन जाएगा, और जो ए फ्लैट मेजर कॉर्ड है वो आपका एफ कॉर्ड बन जाएगा। तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, इससे बढ़िया ये है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बार कॉर्ड अच्छे से प्ले कर लेंगे, ओके। अब स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज डाउन डाउन अप 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 डाउन, लेकिन ये आधे आधे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आधा डाउन डाउन जो है सिर्फ एक कॉर्ड पे होगा, देन अप 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 डाउन अलग कॉर्ड पे होगा। तो कैसे चेंज करेंगे? सो डाउन डाउन कॉर्ड चेंज अप 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 डाउन, देन डाउन डाउन कॉर्ड चेंज अप 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 डाउन। तो मोस्टली गाने में इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रहा है, दैट इज सी माइनर टू बी फ्लैट एंड देन ए फ्लैट टू बी फ्लैट अगेन। आया समझ में? तो एक बार अब मैं गा के आपको बताता हूँ ये गाना, प्लीज माइंड माई सिंगिंग, है ना। हम पहले इसलिए कॉर्ड कर रहे हैं ताकि कॉर्ड्स का आपको क्लैरिटी हो जाए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑल द टैब्स पार्ट। कभी जो बादल बरसे मैं देखू तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सहलू साथिया, ओके। तो यहां मैंने क्या किया,
सी माइनर टू बी फ्लैट आधा आधा, देन ए फ्लैट टू बी फ्लैट आधा आधा, सेकेंड टाइम में सी माइनर टू बी फ्लैट आधा एंड देन बी फ्लैट, सॉरी ए फ्लैट टू जी माइनर आधा आधा. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट जिसमें ये वाला टैब्स आपको सुनने को मिलता है. इसमें आपका कॉर्ड सीक्वेंस रहने वाला है एफ माइनर बी फ्लैट ए फ्लैट देन बी फ्लैट. सो ओके, सो दिस विल बी द सेकेंड सीक्वेंस. दिस इज द प्ले थ्रू आई एम टेलिंग यू बिकॉज हम एक बार में इसको खत्म करेंगे. देन नेक्स्ट पार्ट, कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहां, मंजिले है मेरी तो सब यहां. तो यहां पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पार्ट में आप पूरा पूरा स्ट्रमिंग करेंगे हर कॉर्ड पे. सी माइनर पे पूरा स्ट्रमिंग, बी फ्लैट पे पूरा, ए फ्लैट पे पूरा एंड देन बी फ्लैट पे पूरा. देन मिटा दे सारे आजा पास ले, मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा समझ में तू झांक ले, मैं हूं क्या. एंड देन फिर वही पहला वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा. तो आई थिंक कॉर्ड्स के हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर आप कैपो लगा के प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. आप चाहें तो हर शेप को एक एक स्टेप पीछे करके इस गाने का पिच जो है आप नीचे कर सकते हैं, दो स्टेप भी कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू प्ले. तो चलिए अब बात करते हैं इंट्रो के बारे में. इस गाने का जो इंट्रो है कुछ ऐसा साउंड करता है. देन सेकंड टाइम में एक थोड़ा सा चेंज होता है. ठीक है, तो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जल्दी जल्दी बताता हूं. ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे. नीचे टैब्स आपको दिखाई दे रही हैं, नीचे ऊपर कहीं पे भी हो सकती हैं. सबसे पहले इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए स्लाइड 3-5. आपको थर्ड स्ट्रिंग पे एक स्लाइड करना है. ठीक है, उसके बाद आप सीधा थर्ड फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग पे हिट करेंगे. सो पहले ये एक पार्ट हुआ. फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ये एक टेक्निक है जिसको हैमर पुल ऑफ कहते हैं. हैमर का मतलब होता है जैसे अगर मैंने 3 प्रेस किया है सेकेंड स्ट्रिंग पे, तो मैं मेरा इंडेक्स सॉरी मिडिल फिंगर को इतना जोर से लाके नेक्स्ट फ्रेट पर रखता हूं कि यू विल गेट दिस साउंड. और अगर आप इसको रखने के बाद नीचे हल्का सा पुल करके झटके से छोड़ते हैं तो एक छोड़ने का साउंड भी आएगा. ओके, ठीक है, ऐसे स्पीड बनेगी धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस कीजिएगा. सो सबसे पहले हुआ, देन तो क्या किया, ठीक है, तो उसके बाद हम प्ले करेंगे 5 and 3, 5-3 ऑन थर्ड स्ट्रिंग. हैमर पुल ऑफ था 3-4 पे. सो ये हुआ नेक्स्ट पार्ट. अब इसके आगे ऐड करेंगे 5-3 का स्लाइड ऑन फोर्थ स्ट्रिंग. फिर 1-3 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग एंड देन एक लास्ट पार्ट जो है, तो इसके लिए हमने प्ले किया 5th और 6th स्ट्रिंग दो यूज कर रहे हैं हम लोग. और हम प्ले करेंगे 6 से स्टार्ट कर रहे हैं 3-1-5 पे, 3-1-3-1 एंड देन 5 पे 2-3, 3-1-3-1-2-3, 3-1-3-1-2-3. ओके, सो पूरा एक साथ. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है उस वो ऑलमोस्ट सेम है. उसमें हम एक 5 और बढ़ा देंगे यहां पे, स्लाइड के बाद एक 5 और एक्स्ट्रा हिट करेंगे. ठीक है, यहां तक स्लाइड तक सेम आया और उसके बाद एक स्लाइड सीधी लेके वापस लौटनी है, मतलब 3-5 एंड देन कम बैक. ओके, सो सेकेंड टाइम वाला बजा रहा हूं एंड देन लास्ट पार्ट सेम. तो ये रहेगा हमारा इंट्रो वाला पार्ट. अब गाने में बीच में एक हारमोनिका जैसा साउंड आता है ना, माउथ ऑर्गन जैसा, या फिर मेरे को जहां तक लगता है, मैं नाम भूल रहा हूं, पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जिसके पाइप मतलब छोटा सा कीबोर्ड होता है उसके बाहर एक साइड से पाइप निकलती है और फिर वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो या तो वो साउंड है या फिर हारमोनिका है, दोनों में से कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ ऐसा साउंड करता है। सॉरी, ठीक है। तो अब इसको प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, 5-3 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, 5-3 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 3-3 से सीधा जंप करेंगे 6 पे, एंड देन 3 अगेन ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड देन ये पूरा फ्रेज साथ में। तो इसको लिए मैंने प्ले किया 4-3-5-3-5, इसमें 4-3 सेकेंड स्ट्रिंग पे था एंड 5-3-5 ऑन द थर्ड स्ट्रिंग। तो एक साथ अगर हम प्ले करेंगे तो दिस इज हाउ इट विल साउंड, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू साउंड। तो इसकी आप और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करेंगे एक छोटे से गिटार पीस की जो कुछ ऐसा साउंड करता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा, इसमें जो 5 है वो थर्ड स्ट्रिंग पे है, तो हम प्ले करेंगे 5-3-4-3-4-6-3। ओके, नेक्स्ट टाइम में सिर्फ एक नोट बदलेगा। अब हम सेकेंड स्ट्रिंग के 6 पे जाने के बजाय फर्स्ट स्ट्रिंग के 6 पे जाएंगे। सो 5-3-4-3-4-6-4-3। तो दो पार्ट्स हुए अभी, 1-2, थर्ड पार्ट। अब आपको क्या करना है, 5-3-4-3-4-6-3-3, ये वाला जो 3 है ये थर्ड स्ट्रिंग पे आ गया है। फिर बजाएंगे 5-3-5 जिसमें 5 थर्ड स्ट्रिंग का है, एंड देन लास्ट में 3-1 एंड देन ओपन। ओके, तो ये रहेगा हमारा बीच वाला जो मेन गिटार का पीस है वो इस तरीके से प्ले होता है। पॉज कीजिए, बार बार में देखिए, टैब्स की मदद से ट्राई कीजिए कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करेंगे इस गाने की मेन मेलोडी के बारे में। तो चलिए अब इस गाने की मेलोडी सीखते हैं। जो मेन गाना गाया जा रहा है उसको अगर आपको टैब्स में बजाना है तो कैसे प्ले करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कभी जो बादल। तो इसके लिए मैंने प्ले किया, स्टार्ट किया सेकेंड स्ट्रिंग से 4-3, अब थर्ड स्ट्रिंग पे जाएंगे और थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे 5-3-3-5। सो 4-3-5-3-3-5 कभी जो बादल, देन बरसे के लिए हमने प्ले किया 4-4-3 ऑन सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, सो कभी जो बादल बरसे, द नेक्स्ट पार्ट मैं देखूं तुझे के लिए आपको प्ले करना है थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे 3-4-3 एंड देन 5-3 ऑन थर्ड स्ट्रिंग। मैं देखूं तुझे, फिर आंखें के लिए 3-5, मैं देखूं तुझे आंखें, देन भर के लिए हमने प्ले किया 5-3-3-5-3। स्ट्रिंग्स का ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट पार्ट, तू लगे मुझे पहली इज मैं देखूं तुझे आंखें भर के, सेम है, तू लगे मुझे पहली, ठीक है। देन बारिश इज 4-3, देन की दुआ, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बारिश की दुआ, एंड देन जो हमने पीस सीखा था टारा टारा and then you come up with this na 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 da 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 da
इसके लिए हमने प्ले किया 4-3-5-3। तेरे सिवा मेरा यहां के लिए हम प्ले करेंगे तेरे सिवा, हमने प्ले किया 3-4-3-5। सो कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहां। ओके, देन मंजिले हमने प्ले किया 6-4-3-4। है मेरी तो सब यहां। ओके, देन इसके लिए हमने प्ले किया मिटा दे सारे, तो हमने प्ले किया 5-5-3-4-6। मिटा दे सारे आजा फासले के लिए हमने प्ले किया 4-4-3-4-3-5। 4-4-3-5, एक और 4 है 4-4-4-3-5-3। ठीक है, मिटा दे सारे आजा फासले, देन रिपीट मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले। ठीक है, दो बार सेम आया है, जरा सा मुझ में तू झांक ले के लिए आपको क्या प्ले करना है। हमने प्ले किया 3-1 देन 6-2 देन 4-3 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग। जरा सा मुझ में तू झांक ले। मैं हूं क्या। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस इज हाउ यू कैन प्ले दिस होल सॉन्ग ऑन टैब्स। इसका इंट्रो, बीच में आने वाला पीस और इवन द लिरिक्स वाला पार्ट यू कैन प्ले ऑल विद द टैब्स। हमने आज टैब्स अलग तरीके की रखी हैं। अगर आपको ये वे ऑफ टैब्स ज़्यादा ईजी लगती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इसके लिए नॉर्मल टैब्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर से कीजिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव सम लिंक जिसमें आप नॉर्मल टैब्स में भी ये गाना सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो स्टिकिंग टू द लेसन अभी तक। अगर आप अभी तक लेसन देख रहे हैं इसका मतलब आप अच्छा से अच्छा बजाना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट सून।